देश में इमरजेंसी 1975 में लगाई गई, पर इसकी कहानी 4 साल पहले 1971 में ही शुरू हो चुकी थी। दरअसल इंदिरा गांधी ने रायबरेली से फ्रीडम फाइटर राज नारायण के खिलाफ इलेक्शन जीता। इलेक्शन हारने के बाद राज नारायण ने इंदिरा गांधी की कैंडिडेचर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उनको 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से रोक लगा दी। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को राहत तो दी, पर पूरी तरह से हाईकोर्ट के फैसले को स्टे नहीं लगाया, जिससे नाखुश होकर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और प्रधानमंत्री मोदी की तरह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश के लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया और दुहाई दी कि ये फैसला देश की भलाई के लिए लिया गया है।